बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एहसान फूड। आज हम बहुत ही अच्छे मज़ेदार से चिकन आलू के कटलेट्स, जैसे पिज़्ज़ा कटलेट्स भी कहते हैं, वो बना रहे हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये रेसिपी बनाई जा रही है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए हमने आलू बॉयल कर लिए, अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। फिर बाद में इसके इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। इसमें पहले इसको अच्छे से मैश करना है। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए, अब इसमें हम गार्लिक सॉस शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये आलू का मसाला हमारा तैयार है, मैश पोटैटो का। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसमें अब हम अपनी सब्ज़ी फ्राई करेंगे। सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा सौते कर रहे हैं, थोड़ी सी ये पिंक हो जाए, ब्राउन नहीं करनी ज़्यादा, पिंक हो जाए, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याज हमारी हो गई है पिंक, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। हमने 1 टमाटर लिया है और 1 अदर प्याज लिए, और सब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम अपनी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डिश आप ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी डिश है ये। तो माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे कुछ खा नहीं रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये कि आप घर में अच्छे से अपने फ्रेश ऑयल में अपने हाथों से साफ सुथरे बना के दें बच्चों को, ताकि आपके बच्चे शौक से खाएँ। वैसे हमने चिकन बॉईल की थी और उसको अच्छे से मैश कर लिए, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम अपनी स्पाइस शामिल करेंगे। गार्लिक सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून काली मिर्चें किसी भी, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। ये हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया, रेडी हो गया चिकन। इसको हम निकाल देंगे और ठंडा कर देंगे। ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है चिकन का। अब हमने कटलेट्स बनाने हैं, उसकी कोडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स लिए हैं, हस्ब ज़रूरत मैदा लिया है और अंडा लिया है। अब इस अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छे से। कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़े से आलू लेंगे, चिकन की कोडिंग ऐड करेंगे, फिर इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून हर्ब्स ऐड करेंगे, दोबारा थोड़ी सी चीज़ ऐड करके इसको अब बंद कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारा कटलेट्स बन गया है, शेप में आ गया। अब इसमें इसको मैदे में कोट करेंगे। अब अंडे में कोट करेंगे, अब इसको ब्रेड क्रम में कोट कर देंगे। चले अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखें हमारे कटलेट्स बन चुके हैं, इसको फ्राई करते हैं अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म हो गया, जब ये हमारा ब्राउन हो जाएगा तकरीबन 5 मिनट्स के बाद हम इसको पलटेंगे, चेक करेंगे हमारे रेडी हुए हैं या नहीं। अब हम इसको पलटेंगे, ये देख सकते हैं आप इतना अच्छा कलर आया इसका, ब्राउन हो गया है। अब इसी तरीके से हम सबको पलटेंगे।
ये देख सकते हैं हमने हमने तीनों को पलट दिया और उसका कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे पेज पे हमारे चैनल पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी, बच्चों को भी, टीनएजर्स बच्चों को भी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।